खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु साहिब जी, हम अंधुले अंध बिखे बिखराते, क्यों चल हैं गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावह आपन पाली। गुर सिख मीत चलहु गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानहु, हर हर कथा निराली। जो गुर कहे सोई पल मानहु, हर हर कथा निराली। परम सम्मान योग सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालु सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु रूप सात संग जी आप धनता योग हो, जो रात्रि दे ए विशेष दीवान बंदी छोड़ दिवस नू मुख रखदिया उलीके गए हन, उन्ना विच आप जी हाजरियां प्यार श्रद्धा भावना नल भर रहे हो। बड़े ही प्यार दे नाल गुरु नानक देव जी खालसा स्कूल दे बच्चियां दे पासों आप जी ने राग निधारित बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। मैं मुबारकबाद देना उन्हां बच्चियां नू जिहड़े बहुत मेहनत ते प्यार दे नाल सतगुरां दी इलाही बाणी नू सिखदे हन, फिर संगत दी सेवा विच हाजिर हुंदे हन। उन्हां समूह मापियां नू जो बहुत प्यार दे नाल गुरु घर दे विच अपने बच्चियां नू लै के आउंदे ने, नाल रहिंदे ने, बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है। फिर उन्हां प्रोफेसर साहिबानां नू जो बहुत प्यार दे नाल मेहनत दे नाल लगन दे नाल इन्हां बच्चियां नू गुरमत दी तामील दे रहे ने, तालीम दे रहे ने। समूह प्रबंधक जणां नू जो बहुत प्यार दे नाल इह सारे उपराले कर रहे ने। आओ कुछ मिनट आप जी दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ करनी है। कुछ कहण तो पहला फतेह दी सांझ करिए। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं आपां बंदी छोड़ आखदे। इस बंदी छोड़ दे पिछे बड़ा वड्डा इतिहास है, जिदे लई गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने कई औकड़ां कई मुसीबतां कई झखड़ां नूं हस के चलिया, ते दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने पर उपकार करदियां 52 राजियां नूं ग्वालियर दी उस मौत भरी सजा तों मुक्त कीता, आजाद करवाया। इस करके वह 52 पहाड़ी राजे, वह 52 हिंदू राजे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बंदी छोड़ आखदे सन, ते सतगुरु जी उन्हां नूं मुक्त करा के श्री अमृतसर साहब की धरती ते जदों पुजे, इतिहास कहिंदा संगतां ने बड़े प्रेम दे नाल घिओ दे दीवे जगा करके सतगुरु दतार पिता महाराज नूं खुशामदीद आखिया, ते गुरु की संगत ने प्यार दे नाले बचन गाए, गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, कर्म ना जाना
धर्म ना जाना लोभी माया तारी। नाम परयो भगत गोविंद का, गुरु साहब सच्चे पातशाह पंचम पातशाह जी का बचन है, ये राखो लाज तुम्हारी हर जियो, निमाणिया तू मान नचीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत कहो कुरबान। ये पावन शब्द पंचम पातशाह जी का है। तो ये सतगुर दतार पिता जी गुरु अगे अरदास ही कर दें। अज आप बंदी छोड़ दिवस के संबंध में जुड़े हाँ। सतगुरु दतार पिता महाराज ये भी कितने हुण चले गए ने, जे 52 बंदी राजिया ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की शरण तक की सी ना, कई महीने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों में रह के उन्होंने संगत माणी, उन्हों का प्रेम माणिया। तो जिस वक्त गुरु साहब सच्चे पातशाह किले नूं त्यागण लगे, मैं उस इतिहास वल नहीं जाना क्योंकि समा इन्ना नहीं, सिर्फ टूक मात्र गल करनी है, नुकते की गल करनी है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह किला त्यागण लगे, तो वह 52 राजे कहन लगे, हे दीन दुनिया के पातशाह, तुहाडे सिख रोज बाणी पढ़ते ने, तुसी नित बाणी सुनदे हो, ते साडे कन्नां विच वी रोज शब्द पैंदा है कि गुर का सिख जिहड़ा है गुरु दे हुकम विच गुरु दी रजा विच रहे, ते गुरु अपने सेवक दी लोक ते परलोक विच बहुड़ी करदा है, गुरु अपने सिखां दे बंधन कट दिंदा है, जमां दे बंधन भी कट दिंदा है। कि गरीब नवाज हुण साडे तुसी बंधन नहीं कट्टोगे, कि गरीब नवाज सानू इत्थों मुक्त नहीं करोगे, तुसी तां इह विश्वास दवाया है, भरोसा दिता है कि जे सारी उम्र न्याय करके नेक ते सच ते धर्म दा जीवन जिओगे ते तुहानू दरगाह विच वी जम हथ नहीं पा सकणगे, ते इत्थे जिहड़े इह बादशाह जम बन के बैठे ने इन्हां तों ते मुक्त कराओ। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने वचन कहे सन राजियां नूं कि जे असी इह कौल कीता है, जे ये वचन किया है कि लोक परलोक विच तुहाडी बौड़ी करवावांगे, तो किसी गल की चिंता ना करो, तुहानू लै के जावांगे, इस दुनिया विच भी तुहाडे नाल आ, ते जे सच हक दे उत्ते तुरदे रहे ते परलोक विच भी तुहाडे नाल। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी वह 52 राजे नित सुनदे सन, जो सिख सतगुर के पास बैठ के श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते सन, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आग्या मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै, ये पावन सुखमनी साहब जी की बाणी वह पहाड़ियां दे राजियां दे कन्नां विच भी पैंदी है। जदों बंदा टुटिया हुंदा है ना, हर पास्यों डिग्गिया टटिया हुंदा है, ते उहदी एकाग्रता बड़ी बनदी है, उस एकाग्रता दे नाल फिर वह गुरु की बाणी नूं धर्म वाले पासे तुरदा है। जिन्ना चिर कमी नहीं ना महसूस होंदी धर्म की, उन्ना चिर असी धर्म ही नहीं बन सकते। जिन्ना चिर भुखी नहीं लगी, उन्ना चिर प्यास नहीं लगी, उन्ना चिर पानी की भोजन की कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं, असी रौला ते पाने आ, ये आखदे ते हाँ भी धर्मी बनीए, गुरु वाले बनीए, सिख बनीए, पर हकीकत है ये बातां कहनियां साडा फर्ज बन जांदा है, पर असली गल है जिन्ना चिर अपने आप अंदरों प्यार ना जागे, अपने आप अंदरों इच्छा ना जागे, अपने आप अंदरों भुख ना जागे, उन्ना चिर पता नहीं लगता भी गुरु की है ते गुरु की सिखी की है। जिन्ना चिर मनुख किसी मुश्किल विच मुसीबत विच हुंदा है, जदों जकड़िया जांदा है उदों प्रतीत हुंदा भी हुण कोई नहीं, फिर वह अरदास करदा है, गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी। इस पावन शब्द के अर्थ वेखो किड्डे कमाल दे, गई बहोड़, गई दा अर्थ है हे मालक मैं अपने बुरे कर्मा करके अपनी इज्जत गवा ली, पत गवा ली, अपना चंगापन गवा लिया, सारा कुछ चला गया। बहोड़ दा अर्थ हुंदा वापस मोड़ लिया, किसी नूं कहिंदे ना वी बहोड़ के आ गई, बहोड़ के आ जाना, बहोड़ दा अर्थ है वापस होना। गुरु अगे अरदास करदा है सिख, हे मालक जे मेरी इज्जत आबरू सुख मेरी शानो शौकत मेरी सिक्खी मेरा प्रेम जे चला गया ना, तो मैं तेरे अगे अरदास करना वापस आ जाए, गई बहोड़ बंदी छोड़, तो दूसरा मालक मेरी इज्जत मेरा प्रेम मेरा चाओ वापस आ जाए, तो दूसरा तेरे कोल गुण है कि तू बंदियां बंधन नूं मुक्त करदा है। मेरे जीवन दे अंदर बड़े बंधन ने, किन्ने कु बंधन ने, गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच वचन कीता है
कि यह मनुख एक जीव है, एक पंछी वर्ग है, तो एक पंछी नू एक बंधन पै जाए ना वह उड़ नहीं सकता, निकल नहीं सकता जाल विचों। तो इस मनुखी जीवन नू सरवड़ हं पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास, गुरु साहब कहते 50 बंधन पाए ने बंदे ने अपने आप अपने जीवन के अंदर, मोह दा, माया दा, विकारां दा, विषयां दा, डर दा, भय दा, पता नहीं किन्ने कु बंधन। सरवड़ हं पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास, गुरु साहब कहते 50 फाहियां इनू पईयां होईयां ने, ते अपनी ताकत नाल अपनी समर्था नाल इन्हां बंधनां नू ये तोड़ नहीं सकता। इहदे कोल इक्को ताकत है, इहदे कोल इक्को जुगत है कि यह मन एकागर करके गुरु साहब जी के चरणों विच ये अरदास करे, ये शब्द पढ़े कि हे दाता मेरा गुआचिया होया माण सत्कार वापस आ जाए, मेरी गुआची हुई जिहड़ी इज्जत आबरू है वापस आ जाए, मेरा गवाचिया होया ईमान वापस आ जाए, तो जेड़े मेरे बंधन मैनू जीवन दे पए ने, तू बंदी छोड़ है, तू दुखां दा नाश करन वाला, दुख दारी दा अर्थ है दुखां दा नाश करन वाला, दुखां नू दल वाला निरंकारी है। हे मालिक मैं तेरे अगे अरदास करदा ये मेरे सारे दुख ते मेरे सारे बंधन तू कट दे। गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, कर्म ना जाना धर्म ना जाना। दुनिया कहती है जो बंधना तो मुक्त होना है तो चंगे कर्म करो, बंधना तो मुक्त होना है तो धर्म के कर्म कमाओ, पर गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने किड्डी सोहनी जुगत दे दीती, वह मनुखा जे तेरे को चंगा कर्म नहीं हो रहा, धर्म नहीं कमाया जा रहा, पर तू ये कर्म कर लै भी मन चित एकाग्र करके गुरु के दर से आ जा, ते गुरु अगे अरदास कर। दाता जी ना हो जती सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू ना ही विसरिया। दाता मेरे को पढ़ाई नहीं, मेरे को कर्म नहीं, मेरे को गुण नहीं, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना, मेरे को बचन नहीं, मेरे को जुगत नहीं जिदे नाल मैं तेनू रजा लवा, तेनू खुश कर लवा, अपने कर्मा दा मैं हिसाब किताब मिटा दिया। पर गुरु साहब कहते गुरु ने किन्नी रहमत की कि सिख नू कह दिता कुछ नहीं ना जे तेरे को हुंदा, ते गुरु दे चरणा विच मिट के अरदास कर दे। अरदास बड़ा वड्डा कर्म है, इनू इउं ना समझ लिया जे भी मेरे कोई धर्म का कर्म नहीं हो रहा, कोई होर कर्म नहीं हो रहा तो मैं अरदास करा। अरदास श्रेष्ठ कर्मा चो एक श्रेष्ठ कर्म है, अरदास बंदगी दे विचो एक उत्तम बंदगी है जे मनुख नू करनी आ जाए। अरदास ही श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, वड्डी बंदगी बन जाती है, पर जे मनुख नू करनी आ जाए वह बचन कहे कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया धारी। हे गरीब नवाज मेरा जीवन तो ऐसा है, सच्ची अरदास की पहली ही एक क्लास है, जां सच्ची अरदास का पहला नियम ही यह है कि बंदे नू अपने गुनाह दिसते ने ते उन्हां गुनाहां नू बंदा बिल्कुल ईमानदार हो करके अपने गुरु के चरणों में रख देना। किवें रखदा है? बाबा कबीर जी ने वेखो किड्डा प्यारा समझाया, गोबिंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाओ भगत ने साधी। हे मालिक मैं इन्ने अपराध किते, वो मेरी हुण इज्जत वापस लाया, गई बहोड़ वापस आ जाए, मैं ना तेरे बचना नू कमा सकिया, जह घर कथा होत संतन की, एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। किड्डी ईमानदारी नाल अपने गुनाह कबूले, जिन्हें अरदास करनी है उन्हों अपने अपने गुनाह गुरु अगे कबूलने पैणगे। ते जदों ये बौच बचन कहेगा कर्म ना ता जाना धर्म ना जाना लोभी माया धारी, हे परमात्मा कर्म ते मैं ये करदा रहा पर मैं तेरी भगती दा पाज भी करदा रहा, मैं भगत होण दा पखंड भी करदा रहा। नाम परयो भगत गोबिंद का, यह राखो पैज तुम्हारी, पर हुण तेरे ते आ गई गल। क्योंकि जे कोई परमात्मा दे नां दा पाज भी कर ले ना, ते गुरु साहब जी ने बाणी च कहा समा बन जाए मौका बन जाए गुरु अपने नाम दी पत भी रखदा। भगतां ने एक बचन कहा नृप कन्या के कारने एक भया भेख धारी, कामारथी स्वार्थी वाकी पैज सुवारी। जे कोई काम दा मारिया स्वार्थी बंदा भी
रब दे नां दा धर्म दे नां दा पाज कर ले ते जदों दे ते आन बने ते फिर उदों एक चित होकर के अरदास करदा कि हे मालक मैं तेरे नां नूं वरतदा रहा तेरे नां करके लोकां विच भरम ते भुलेखा पांदा रहा पर हुण मेरी इज्जत दा सवाल नहीं ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਬਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰੱਖੋ ਪੈਜ ਤੁਹਾਰੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਹਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ तू निमाणिया नू माण देना है जिवें गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने 52 राजियां नू माण दिता उन्हां दी दुर्दशा इन्नी भैड़ी सी उन्हां दा जीवन बद तो बदतर सी ना खाण नू चंगा मिलिया ना पाण नू चंगा मिलदा सी कैदियां वर्गा ही सलूक उन्हां नाल हुंदा सी बड़े माड़े हालातां विच सन पर जदों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ग्वालियर दे किले विच गए उस ग्वालियर दे किले दा दरोगा सी हरिदास आगरे दा रहन वाला ते गुरु घर दा बड़ा श्रद्धालु सिख सी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी जदों गए ना उन्हें अपने घरों प्रशादे दा प्रबंध करना पर सतगुरु जी ने कह दिता नहीं हरदास जो रसद पानी तू सानू लिया के देना है इहदे नाल इन्हां 52 राजियां दे भोजन पानी दा चंगा प्रबंध करो ये रोगी हो गए ने विचारे कमजोर हो गए ने ते साडा भोजन कित्थों आएगा जो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे नाल सिख गए सन भाई विधि चंद भाई जेठा जी भाई परागा जी भाई प्राणा जी सतगुरु दतार जी ने उन्होंने हुक्म दिता सी उन्होंने किले विच हरिदास वालों आउण जाण दी खुल सी वह दिने जा करके बाहर शहर विच कार कमांदे सन किरत करदे सन ते उस किरत तो जो धन मिलदा सी उस धन दे नाल रसद लैके आउंदे सन ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज लई आप लंगर तैयार करदे सन आप प्रशादा तैयार करदे सन ते जो हरिदास वालों आउंदा सी उह सतगुरु दतार पिता महाराज जी सारा पहाड़ी राजियां हिंदू राजियां नूं दे दिंदे सन कुछ ही दिनां दे अंदर उन्हां दे चेहरियां ते रंगत भरत आई एक ते खाण नूं चंगा मिलदा शरीर दी खुराक मिलण लग गई दूसरा मन करके सारा दिन जिहड़ा ढेंदी कला च रहिंदे सन गुरु गुरु जपण दे नाल सतगुरां दे पास आ के चढ़दी कला प्राप्त हो गई ते उह मन ते वी अरोग हो गए कुछ कु दिनां दे विच ही सतगुरु दतार पिता महाराज जी दे मरीद बन गए सतगुरु दतार पिता जी ने उन्हां नूं इन्ना माण दिता अपने पास बिठाना कीर्तन होना बाणी पढ़ी जानी उन्हां नूं सतगुरां ने सवेरे शाम दीवान सजा करके उपदेश देना ते सतगुरु दतार पिता महाराज जी दे उपदेशां दे नाल जिहड़ा उन्हां दे अंदर कैद दा भय सी जिहड़ा उन्हां दे अंदर मौत दा डर सी जहांगीर बादशाह तो डरदे सन गुरु की संगत दे नाल कुछ कु दिनां दे अंदर ही भय मुक्त हो गए सचमुच ही क्योंकि गुरु शक्ति ऐसी है गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरु के तीन गुण लिखे ने गुरदाता गुर हिवै घर गुर दीपक तहलोए अमर पदार्थ नानका मन मान्य सुख होए गुरु दाता भी देंदा है तन ते मन दियां खुराकां देंदा है गुरु अंदर दी ठंडक भी देंदा है ते गुरु ज्ञान दा दीवा भी जगांदा है बाहर दे दीवे भी जगाने आ गुरु दे शब्द दा दीवा भी जिस दिन साडे अंदर जग जाएगा सतगुरु जी कहिंदे उस दिन इस शरीर रूपी मंदिर दे विच्चों भी हनेरा गायब हो जाएगा ते बंदा फिर अपने आप तो डरेगा नहीं हर जियो निमाणिया तू माण नचीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुरबान गुरदेव पिता महाराज ने उन्हां निमाणे राजियां नूं माण दिता उन्हां नाचीजियां नूं नाचीज कहिंदे बिल्कुल नीवा न्यासरा गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नाचीजां नूं सदा दतार पिता महाराज ने अपने नेड़े बिठाया ते जिस वक्त गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दी रिहाई दा हुक्म आया ना दिल्ली दी धरती तो जहांगीर ने कैद करन दे बड़े कारण सन सब तो वड्डा कारण यह सी क्योंकि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी होई सी उदू बाद सतगुरां ने फौजां रखियां शस्त्र रखे तख्त सजा लिया ते जहांगीर नूं डर सी उह अपनी तुझके दा जहांगीरी किताब विच उन्हें अपनी स्वै जीवनी लिखी है गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह बाबत उन्हें लिखिया कि मैनूं मौका नहीं मिलदा पिया एक अर्जन देव पंजाब की धरती ते अपनी झूठ की दुकान चला रहा है
कई भुले हिंदू ते कई मूर्ख मुसलमान भी उहदे मुरीद बनी बैठे ने। जिस दिन मैनूं मौका मिल गया मैं कार्रवाई कर देंगा, तो उन्हें एक मौका बनाया भी। खुसरो जदों बगावत करके दौड़िया सतगुरां दे चरणां विच आया, संगत विच आया ते चला गया, पर जहांगीर ने खुसरो दी बगावत दा भांडा सतगुरां दे उत्ते भन्निया भी तुसी एक सरकार दे बागी दी मदद कीती है ते सतगुरां नूं कैद कर लिया, हरजाना भर लिखिया। पर सतगुरां दी शहीदी तो बाद जदों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने डरे नहीं सगों होर दूनी ताकत नाल प्रगट होए ते उहदे मन विच फिर भय पाया। मुर्तजा खां वर्गियां ने दिल्ली रिपोर्टां भेजियां कि गुरु हरगोबिंद साहिब ते बादशाह बन के बह गए ने, नगारे वज रहे ने, घोड़े रखे जा रहे ने, फौजां जिहड़ियां जमा कीतियां जा रहियां ने। जे समां रहिंदिया ही तुसी कोई कदम ना उठाया ते बगावत फैल जानी है ते फिर तुहाडे हथ कुछ नहीं लगना। पर गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी नूं इस ढंग नाल उसने जहांगीर ने बुलाया दिल्ली की धरती ते फिर कैद किया कि बगावत भी ना फैले, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी की शहादत का सिखां विच गुस्सा सी। इस करके वह भेजे गए, एक तो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी का सिख सी जिसनों दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह बड़ा प्यार करते सन, लाहौरिया नवाब सी, गुंचे खान सी, वह सतगुरां नूं लैण आए दिल्ली की धरती ते दतार जी गए। उस तो बाद जहांगीर आगरे वल जांदा सतगुरां नूं नाल लै गया ते ग्वालियर दे किले विच चाल दे नाल कैद कर दिता। पर गुरु साहब सच्चे पातशाह वह शरीरां दीआं कैदां च नहीं, वह किलियां दीआं कैदां च नहीं, वह तो बंधन मुक्त करन आए ने। एक तो उन्हां दी रजा सी, खेड सी, 52 राजियां नूं गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने रिहा किया, दिल्ली की धरती ते जहांगीर नूं मिले। जहांगीर दे अपने पाप कंबदे पए सन, उन्हें सतगुरु दतार पिता महाराज अगे बेनती की कि मैनू लोगों ने बहुत गलत रिपोर्टा दित्तियां, पर जो तुसी मेरे पहले सद्दे ते दिल्ली आ गए मेरे अंदर कुछ भरम तो उदों ही मुक गए। उस तो बाद तुसी भावें किले विच रहे कोई बगावत नहीं हुई, तुसी इन्हां बागी राजियां नूं मेरे मातहित कर दिता। उन्हें सारी गल दसी, भावें वक्ती तौर पर ही सियाणा बनना चाहता सी कि मैनू तो उस वक्त चंदू ने मुर्तजा खान ने भरमाया सी तुहाडा कैदी तुहाडा दोषी चंदू है, ये मैं तुहाडे सुपुरद करदा ते मैनू माफ़ कर दिओ। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने उत्थे नूं माफ़ नहीं किया। सतगुरु जी कहन लगे जहांगीर ये गल्लां छड्ड दिओ, ये जिहड़ा न्याय है ना हुण खुदा की अदालत विच होएगा। सीधा स्पष्ट कह दिता कि ये गल्लां नूं त्याग दिओ, तुसी साडे वल मित्रता का हथ वधाया, असी तुहाडे वल मित्रता का हथ वधाया, पर जो गुनाह होए जो पाप होए वो रब दे घर अंदर खुदा दे घर न्याय होएगा। खैर सतगुरु जी उत्थों निकले, 52 राजियां नूं रिहा करके गुरदेव पिता महाराज श्री अमृतसर साहब की धरती ते आए। माता गंगा जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, भाई विधि चंद जी, भाई पिरागा जी, भाई जेठा जी, सारिया सिखां बड़िया खुशियां मनाईया, दीपमाला की गई। इतिहास कहिंदा कि वह दिन दिवाली का सी, ते दिवाली ते विसाखी दो त्यौहार सिखां विच पहला ही बड़ी चढ़दी कला विच गुरु के उपदेश राही मनाए जाते सन। सो उस दिन भी दिवाली गुरु साहब जी की आमद विच गुरु गुरु जपदिया सिखां ने मनाई, क्योंकि सिखां दा हर त्यौहार हर दिन गुरु गुरु जपदिया ही मनाया जाता है। सतगुरां ने एक एक दिन की गल ग्रंथ साहब विच कीती है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज महीनिया की गल कीती है, सालां की गल कीती है, पलां की गल कीती है, पर यही क्या है हर दिन हर साल हर महीना गुरु की याद विच बीतेगा तो वह दिन भले होणगे। महा दिवस मुहूर्त भले जाको नदर करे, जिन्हों सतगुरु नदर कर दे। सो गुरु कृपा करे साढ़े ये सारे दिन ही त्यौहारां दे दिन हर समा हर दिन ही गुरु गुरु जपदियां बतीत हो जाए। ये दिवाली एक प्रतीक है कि जिथे बाहर असरी रोशनी करदे आ उत्थे गुरु का शब्द अंदर जगा के अपने अंदर दे अज्ञान नूं भी मिटा दईए। वो ज्ञान का दीवा गुरु है, गुरु वाले बनीए, बाणी नाल जुड़िए, बाणे नाल जुड़िए, संगत नाल जुड़िए, ते गुरु ते कृपा गुरु दे उपदेश नूं कमा के अपने जीवन नूं रुशना लईए। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां, विचारां करदे आ बेअंत भुल्लां हो गईआं हन, आप संगत कृपालू सतगुरु बख्शी योग ने बख्श लैणगे। आओ अगला प्रोग्राम प्यार सहित सकत्र साहब पासों सरवण करिए जी, भुल्लां चुक्कां ना चितार दे फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।